हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रेखाज गैलरी। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल इडली। तो देख लीजिए क्या क्या मैंने ले लिया। यहाँ पर मैंने भीगी हुई मूंग दाल ले ली है, और अदरक ले ली है, हींग और थोड़ा सा जीरा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने छिलके नहीं निकाले क्योंकि दाल का जो फाइबर होता है वो छिलकों में बहुत अच्छा होता है। तो देखने में थोड़ी कम अच्छी लगती है पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती। तो इसको मैंने ऐसे ही बनाया है, तो इसको पीस लूँगी मिक्सी में डालकर। उसको ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। ज़्यादा महीन हो जाएगा तो खाने में थोड़ा सा दानेदार होता है ना, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको महीन पसंद है तो आप एकदम फाइन पेस्ट बना लें। अगर आपको थोड़ा सा दरदरा पसंद है तो थोड़ा सा आप उसको दरदरा रखें, दानेदार रखें, तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी मिक्सी में थोड़ी थोड़ी डालकर इसको पीस ली थी, और इसको छिलकों के साथ में बनाएं, टेस्ट में कोई कमी नहीं आती है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप बिना छिलकों से भी बना सकते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं है। लेकिन आप छिलकों के साथ बनाएंगे तो आपकी कोई भी चीज़ वेस्ट भी नहीं होगी और आपकी हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा होगा। तो साथ ही मेरे चैनल पर जो भी नए आए हों, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल पर। और जिन्होंने कर रखा है सब्सक्राइब, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैंने अपनी दाल को यहाँ पर, ये देखिए पूरी हमारी जो दाल है वो पिस गई है। तो अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नींबू का रस। तो आप इसको नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और आप अगर आपके पास नींबू नहीं है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर दही भी डाल सकते हैं, 2-4 चम्मच थोड़ा सा अगर डाल देंगे तो ये अच्छे से थोड़ी फॉर्मेट हो जाएगी, फ्लफी बनेगी। तो आप इडली हमारी, तो इसके लिए आप चाहें यहाँ पर नींबू डाल दें और या फिर यहाँ पर थोड़ा सा दही डाल दें। और आपके पास अगर दोनों ही चीज़ें ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इनो डाल दें। यहाँ पर मैंने तो नींबू डाला हुआ है, लेकिन अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में अगर और वो भी ना हो तो आप थोड़ा सा खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसी से डालें। आपकी इडलियाँ बहुत अच्छी बनेंगी, आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यहाँ पर ये देखिए पूरी दाल हमारी मिक्स हो गई है, मतलब पिस गई है। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। उसको मिक्स करने के बाद में थोड़ी देर इसको इसी तरह से ढक के रख देंगे थोड़ी देर बाद, तब तक की बाकी की तैयारी हम कर लेते हैं। ये देखिए इसमें भी नमक डालना बाकी रह गया है। वो टाटा पिंक हिमालयन सॉल्ट है, मैं अपनी कुकिंग इसी से करती हूँ। ये नमक बहुत हल्का होता है। ये हमारी दाल इडली बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए इसको इसी तरह से रखना है, ना गाढ़ी है ना पतली है। और यहाँ पर ये देखिए अपने इडली के मोल्ड में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा कर ग्रीस कर लिया है। ये मेरा बहुत पुराना स्टैंड है, तो ये एल्यूमिनियम का है और अब तो स्टील के और कई तरह के बहुत रेनोवेटिव स्टाइलिस्ट आ गए हैं इडली स्टैंड। तो ये फ़िलहाल मेरा बहुत पुराना स्टैंड है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दाल को फिल कर दिया है। देखिए एक एक चम्मच इसमें डाल दें अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से हमने अपने मोल्ड्स में लगा लिए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर टैप कर दें तो जो अंदर एयर बबल होंगी वो चली जाएंगी। और ये देखिए एक जैसे सारी बराबर हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टैंड में लगा दी हैं और इसको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है कुक होने के लिए क्योंकि दाल कच्ची होती है। फिलहाल मूंग दाल बहुत जल्दी पक जाती है, तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट में हमारी इडलियाँ बनकर रेडी हो गई थी। ये देखिए हमारी स्पून एकदम साफ़ निकल कर आ गई है, और ये देखिए पूरी डबल हमारी इडलियाँ फूल गई हैं। हमारे जो सांचे थे उसके अंदर हमने लेयर लगाई हुई थी और ये ऊपर तक आ गई है, पूरी डबल डबल हो गई हैं। तो अब इडलियों को से निकाल लेते हैं मोल्ड से थोड़ा ठंडा होने पर। ये देखिए हमने गर्मा गर्म इडली या नारियल की चटनी और सांभर के साथ में सर्व कर दी है।
तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।